अमेरिका ने ईरान पर जो एयर स्ट्राइक की है, इसके बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसको लेकर युद्ध की भी बातें सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। देश में कच्चे तेल के दामों में फिर इजाफा हुआ है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे और डीजल में 15 पैसों की बढ़ोतरी हो गई। अमेरिका की ईरान पर कार्रवाई के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड करीब 4% महंगा होकर $69 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इसके अलावा रुपया भी 42 पैसे गिरकर डेढ़ महीने के निचले स्तर 71.80 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। खबरों के मुताबिक यदि ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करता है तो इस तिमाही में कच्चे तेल की कीमत $75 से $78 प्रति बैरल पहुंच सकती है। इससे रुपया डॉलर के मुकाबले 75 तक फिसल सकता है। ऐसा होता है तो पेट्रोल के दाम एक बार फिर 90 रुपये प्रति लीटर पहुंच सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट कुछ इस प्रकार रहे। दिल्ली में पेट्रोल ₹75.45, डीजल ₹68.40 प्रति लीटर रहा और मुंबई में ₹81.04 और डीजल ₹71.72 प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल ₹78.04 प्रति लीटर और डीजल ₹70.76 प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल ₹73.28 प्रति लीटर और डीजल ₹78.39 प्रति लीटर हो गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।